इसका चेकअप कराना पड़ेगा और ऋषिकेश में कराना पड़ेगा। बहन जी भी घर आ सकते हैं, गर्म कपड़े पहनाते हो तभी आपके बच्चे बीमार होते हैं, ऐसे करके वैसे करके बोलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अनीता वगैरह, स्वागत आपका मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही दिन के करीबन 1:30 बजे से, और अभी और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, जो कि अब से को लेके जा रहे हैं क्योंकि अब से की ना तबीयत ख़राब है, इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। चले जी अभी पहुंच गए हम गाड़ी में, और पापा और भी आ रहे हैं क्योंकि मम्मी की दवा ख़त्म हो गई थी ना, तो इसलिए पापा भी आ रहे हैं हमारे साथ, हमारी गाड़ी में आए नीति और मैं। और गोल्डन के हिसाब से ना यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। डॉक्टर के पास हमने दिखा दिया है इसे, और जो प्रॉब्लम है मतलब वो तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। बोला कहते क्या बोला डॉक्टर ने, टेंशन हो रहा बड़ा क्योंकि इसकी तबीयत ना ख़राब होती रहती है। अभी हंस रहा है आला, आगे दिखाना पड़ेगा मतलब जैसे ऋषिकेश में दिखाना पड़ेगा, इस तरह से बोला है बच्चों के डॉक्टर में दिखाना पड़ेगा। क्या करें यहाँ पर, बहुत ही मुश्किल, बहुत गंदा बच्चा है। चलिए जी अभी सलाख में पहुंच गए हैं हम, चलते हैं हम घर, घर जाएगी के बताएंगे आप लोगों को सब कुछ कैसा है क्या है करके। चले जी पहुंच गई हूँ मैं घर, खाना पीना भी मैंने खा लिया क्योंकि सुबह ना जल्दी जल्दी में ना खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि मामा जी के लिए फ़ोन आया, मामा जी ने बोला जल्दी जल्दी करो, बोला मतलब जल्दी जल्दी भी नहीं बोला उन्होंने, पर ऐसा बोला उन्होंने कि मतलब करो हम आराम से आते हैं, लेकिन अपना हो ही जाता है तब जल्दबाजी में हो ही जाता है। तब मैंने फटाफट से खाना खाया तो खुद रेडी हुई, फिर अब शेख को रेडी की क्योंकि अब शेख ना उस टाइम सोया हुआ था। तो कुछ इस तरह है, तो जो कि डॉक्टर जी ने बोला है तो डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला है कि बोला करके अब शेख की मतलब कुछ प्रॉब्लम है यहाँ छाती में, कुछ प्रॉब्लम है, इसका चेकअप कराना पड़ेगा और ऋषिकेश में कराना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कराना पड़ेगा, और देखते हैं कैसा होता है क्या होता है करके। तो हस्बैंड जी भी घर आ सकते हैं क्योंकि कुछ इसी तरह से हो गया है सिचुएशन, क्या करूँ यार दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता है। ऊपर से मैं खुद ना मतलब खुद ही करती हूँ सब कुछ, मतलब अपना जाना आना ये करके, जैसे मैं डॉक्टर के पास गई तो खुद ही करना पड़ता है सब, तो ऐसे ही करके। जो ऋषिकेश की बात है वो भी मैंने सोचा, मैंने पतिदेव को बताया क्योंकि वैसे भी पतिदेव की आज छुट्टी थी, उनको मैंने बताया कि बोला करके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं बोला करके मैं आ जाऊँगा। तो कुछ इसी तरह से चल रहा है, तो कोई नहीं देख लेंगे, और अब से की तबीयत भी ठीक होनी चाहिए क्योंकि दवा तो दी है डॉक्टर ने, एक दो बोतल दी है, ज़्यादा नहीं दी है, बुखार की और खांसी की दी है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, मतलब हो गई उसी में लेकिन उतना नहीं दिया, ज़्यादा दवाई नहीं दे रखी है, एक दो सीसी दे रखी है बस, जो भी होती है ना बोतल छोटी छोटी वो दी है,
और उसके बाद ना देखते हैं हम कब तक ऋषिकेश जाते हैं अभिषेक को लेकर, क्योंकि अभिषेक को नहीं आराध्य को भी लेके जाएंगे, क्योंकि आराध्य मेरे बगैर रहती नहीं है, तो इसलिए ना अभिषेक को भी लेके जाना पड़ेगा, आराध्य को भी लेके जाना पड़ेगा अपने ही साथ। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है, क्या होता है करके आप लोगों को ऐसे बताते रहेंगे। तो कुछ लोग ना ऐसे करके कमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सबको सब चाहते हैं लेकिन हमको और हमारे बच्चों को ना हो, सब लोग ऐसे चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात रही आपकी मतलब जो ठंड गर्म की, जो कि आप बोलते हैं गर्म कपड़े पहनाते हो तभी आपके बच्चे बीमार होते हैं, ऐसे करके वैसे करके बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपनी अपनी जगहों की बात है। जैसे किसी का कहीं का मौसम होगा, कहीं का तापमान होगा, इसी तरह से लोग कपड़े भी पहनाएंगे अपने बच्चों को, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही है गोल्डन में, मतलब ठंडा ही है, मीडियम साइज का मौसम है, क्योंकि सुबह शाम ठंडा होता है, दिन में ना गर्मी होती है, ये करके होता है, सिर्फ दिन ही दिन में होता है गर्म, और वैसे भी ठंडा ही रहता है, तो ऐसे बिल्कुल भी आप लोग सोचना मत, ठीक है दोस्तों। ऐसा होता है दोस्तों, तो मेरे हस्बैंड जी भी घर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई हस्बैंड जी को, क्या करके कैसा करके ऐसे करके बोला, और हस्बैंड जी ने भी बोला कि बोला करके मैं घर आ सकता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है कैसा होता है, और हो सकता है 15-20 दिन में हम ऋषिकेश जाएँ, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मेरे बेबी की तबीयत ना वैसे तो ख्याल तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार चेकअप कराना ही होगा। तो बात तो ऐसी है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन चेकअप कराना वो ज़रूरी बोला है, तो ये तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब हर किसी को डर लगता है, आपके बच्चे होते तो आपको भी डर लगता था, हमारे भी है, तो हमको भी ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो क्या करें।